ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आखिर उस रात की सुबह हुई सुबह जब आपके जिस्म ने हरकत की, तो दरअसल हमारी जिंदगी लौटाई थी खुदा ने आपके साथ जीने के लिए। बेगम जल्दी आइए। क्या हुआ जलाल? लेटे रहिए जोधा बेगम। बेनज़ीर, अब बेनज़ीर की फिक्र मत करिए, वो वहां पहुंच गई है जहां उसे होना चाहिए। उसका साया हम सब पर से उठ चुका है, आप बस बेफिक्र होकर यहां आराम करिए। हुजूर, ये तो करिश्मा हो गया। कुछ देर पहले तक तो जोधा बेगम का जिस्म जैसे लड़ ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब लग रहा है जैसे जीने की उन्हें कोई वजह मिल गई हो, जीने का कोई मकसद मिल गया हो, या फिर किसी के दिल की सच्ची पुकार खुदा ने सुन ली और जोधा बेगम की जिंदगी बख्श दी। मैं दवाइयां लिख देती हूँ और समझा देती हूँ कि कैसे देनी है, लेकिन आराम बेहद जरूरी है। बेशक। अगर बात इनके आराम की है तो इन्हें आराम करने दिया जाएगा। इस लिहाज से इस वक्त मुनासिब यही होगा कि हम सब इन्हें तनहा छोड़ दें, इन्हें आराम कर देते हैं। Thank you.
शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद जलालुद्दीन ये बार शोर कैसा हो रहा है? नहीं जोधा, आप अभी उठिए मत, हकीम साहिबा ने आपको विश्राम करने के लिए कहा है। ठीक है। अब सुनती क्यों नहीं है जोधा, विश्राम कीजिए। सुनो, इसे प्रजा में बांट देना, बहुत ही शीघ्र आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा जोधा। क्या तुम वाकई ऐसा चाहते हो जलाल? जी मुझा। क्या हुआ शहंशाह, अपने बख्तर क्यों उतार रहे हैं? इस तरह खुले में खतरा हो सकता है शहंशाह को, कोई हमला कर सकता है। हम समझ सकते हैं कि आप सबके जहन में एक सवाल उठाओ कि आज आपके शहंशाह ने अपनी पोशाक, अपने जेवरात, यहाँ तक कि अपना ताज उतार क्यों दिया? जाहिर सी बात है, आप में से कुछ होंगे जो समझ रहे होंगे कि शहंशाह ने अपना आपा खो दिया है जब वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। क्योंकि एक शहंशाह ऐसी हरकत सिर्फ तभी करता है जब या तो वो अपना ताज, अपना तख्त छोड़ रहा हो, या फिर कोई उसका अपना खुदा को प्यारा हो जाए। तो हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि आप सब लोग बेफिक्र रहिए, क्योंकि ऐसी कोई नौबत नहीं आई। आज बस हमें अपनी पोशाक, अपने जेवरात, अपने ताज की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि आज हम बतौर शहंशाह अपनी रियाया से नहीं बल्कि एक आम इंसान बनकर अपने कुनबे से मिलने आए। आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त शहंशाह की हिफाजत के क्या इंतजाम हैं? तो हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि हमें इनमें से किसी बात का कोई खौफ नहीं, क्योंकि आज आज हम यहाँ किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के वालिद की तरह आए हैं। आज आज हम अपने अवाम के बीच में नहीं, अपने कुनबे के बीच में आए हैं। आज हम अपने अजीजों के बीच में आए हैं, वो अजीज जिन्होंने हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में हमें सहारा दिया, हमें मोहब्बत दी, हमें भरोसा दिया, हमारा साथ दिया, और रात भर जाग कर हमारे लिए दुआएं की, जिनकी दुआओं की वजह से एक जहरीली दोषी जाकर जहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिनकी दुआओं की वजह से उसका जहर हमारी जोधा बेगम का कुछ नहीं बिगाड़ सका। सल्तनत के हर एक इंसान ने इतनी शिद्दत से जोधा बेगम के लिए दुआ की है कि आप सबकी दुआओं ने मौत तक को हरा दिया। इन सब बातों के लिए हम अपने अपने कुनबे के शुक्रगुजार हैं। हम आज तक कहते आए हैं कि हमारे पास दिल नहीं है, लेकिन आज हम तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबसे वादा करते हैं कि अब से आप सबके लिए हम सिर्फ एक शहंशाह नहीं, आपको हमारे ताज, हमारी शमशीर से खौफ खाने की जरूरत नहीं। हम आपसे वादा करते हैं कि आज से हम अपने कुनबे का एक हिस्सा बनकर उसकी हर जरूरत को पूरा करेंगे, उसकी हर शिकायत को मद्देनजर रखते हुए उसे सही करेंगे, क्योंकि आप सबकी वजह से, हमारे कुनबे की वजह से हमने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीती।
क्योंकि आपकी दुआएं हमारी थाल पर, आपकी चाहत हमारी सुर्खी बनी, जिसके बलबूते हमने आज इतनी बड़ी जंग जीती है। आज अगर जोधा बेगम सही सलामत, तो इस वजह से नहीं कि खुदा ने उनको जिंदगी बख्शी है, बल्कि इस वजह से कि आपकी दुआओं ने खुदा तक को इतना मजबूर किया है कि वो जोधा बेगम की जिंदगी बढ़ा दे। जिस तरह से आपने उस एक रात हमारी मदद की, हम आप सबसे वादा करते हैं कि जिंदगी भर हम उसी तरह आप सबकी मदद करेंगे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद जलालुद्दीन, खुदा बेगम, मोहम्मद जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, खुदा बेगम, शहंशाह जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन, खुदा बेगम, खुदा बेगम, शहंशाह जलालुद्दीन। खुदा बेगम की ठीक होने की खुशी में हम एक बहुत बड़ा जश्न ऐलान करते हैं, लेकिन यह जश्न महल की चार दीवारियों के बीच में नहीं होगा, यह जश्न होगा हमारी आवाम के बीच, हमारी रियाय के बीच। क्योंकि अब से हमारी हर खुशी का हिस्सा बनेंगे आप, और आपके हर दुख हर कम को हम अपने सर माथे लेंगे। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हम तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद जलालुद्दीन, खुदा बेगम, मोहम्मद जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, खुदा बेगम, शहंशाह जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन, खुदा बेगम, खुदा बेगम, मोहम्मद जलालुद्दीन, खुदा बेगम, मोहम्मद जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, खुदा बेगम, शहंशाह जलालुद्दीन। शम के कयामत के बाद भी जोधा बेगम का नूर, जिए जमाने के बाद भी शहंशाह हुजूर। आप कहाँ जा रहे हैं? हमने ना आपकी चोरी पकड़ ली। कौन सी चोरी? बेनजीर से शहंशाह को बच्चे देख आपको जो खुशी हुई थी ना, जोधा बेगम को मौत के मुंह जाते देख आपको उतना ही दुख हुआ था। कहने को तो शहंशाह आपके दूध भाई हैं, लेकिन आप उन्हें सगे भाई से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हाय अल्लाह, हम कितने खुश नसीब है ना कि हमें आपके जैसे शौहर मिले। आपको कितना फक्र होगा ना कि जो आवाम शहंशाह से इतनी मोहब्बत करती है वो शहंशाह आपके दूध भाई हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ बोलिए ना। अच्छा चलिए हम कहते हैं, जिस तरह जोधा बेगम ने अपनी जान बिखेर के शहंशाह को बचाया ना, वैसे ही हम भी आपकी एक दिन जान बचाएंगे। अगर आपके दूध में कोई जहर मिला दे या आपकी गर्दन काटने की कोशिश करे ना, तो हम ही तो आपको बचाएंगे। कौन हमें जहर देगा? उसके पहले हम उनकी गर्दन काट देंगे। मतलब आप हमें अपनी जान खतरे में डालने का भी मौका नहीं देंगे? बड़े वो हैं आप, हमारी कसम खाइए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें हमारा काम करने देंगे, हम ही तो आपकी जान बचाएंगे। चलिए हमारी कसम खाइए, खाइए ना। अरे आप कसम क्यों नहीं खा रहे? हम आपको बचाएंगे ना, आप नहीं चाहते ऐसा। पता है हकीम साहब को कितना डांटा शहंशाह ने, कहा उन्हें हर हाल में आपका जीवन चाहिए। फिर क्या, बेनजीर ने रुकैया बेगम को बंदी बना लिया था, परंतु शहंशाह ने उनकी चिंता अदका साहब पे छोड़ आपके साथ बैठे रहे। आपका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थे शहंशाह, जब तक आपको होश नहीं आया। अच्छा, पूरे समय शहंशाह हमारा ऐसे हाथ पकड़ कर बैठे रहे? बिल्कुल जोधा बेगम, उन्होंने एक पल भी आपका साथ नहीं छोड़ा, और तो उन्होंने इससे पहले आपके लिए मजार में जाकर दुआ भी की और पूरी आवाम से इल्तजा की कि आपके लिए दुआ करें। आदाब। जोधा बेगम, आज से पहले हमने शहंशाह को इतना परेशान किसी और के लिए कभी नहीं देखा।
शहंशाह ने इतना सब कुछ किया हमारे लिए? होशियार, रुकैया बेगम तशरीफ ला रही हैं। आदाब बेगम जोधा। प्रणाम। अब आपकी तबीयत कैसी है? धीरे धीरे हम स्वस्थ हो रहे हैं। आपकी भी आभारी हैं हम। नहीं बेगम जोधा, एहसान मंद तो हम हैं आपके। आपने जिस तरह शहंशाह की जान बचाई, हमें बेवा होने से बचाया, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस एहसान के बदले आप हमसे कभी भी कुछ भी मांग सकती हैं, हम इनकार नहीं करेंगे। आपको जो चाहिए हम देंगे, सिर्फ जलाल को छोड़कर। आप अपना ख्याल रखें, हम चलते हैं। आदा। और बता ना मोती, और क्या क्या किया शहंशाह ने, क्या क्या कहा? कितनी बार तो बता चुके हैं जोधा, अब क्या फिर से बताएं? जो कुछ किया ही नहीं। हम बस पूछ तो रहे हैं तुमसे। नहीं, बात ये है कि आप शहंशाह के विषय में सुनना चाहती हैं। अच्छा लगता है ना आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक से शहंशाह इतने विनीत कैसे हो गए। अब यदि कल को हमें ताना मारने लग जाए कि हमने जोधा बेगम के लिए ये किया वो किया, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि उन्होंने किया क्या है। अब मैं सोच रहे में कदम भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम एक गलती दोहराते नहीं। सच कहें तो अब आपकी ओर देखते हुए गिला महसूस होता है, और अगर आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद भी हो जाएं, तब भी हम आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। शहंशाह ने कहा था कि कभी इस कक्ष में नहीं आएंगे, फिर आज क्यों? कितना अजीब इत्तेफाक है, हमने ही कहा था कि हम इस ओझरे में कदम नहीं रखेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी शहंशाह, आइए ना। प्रणाम। आदाब। हमने कहा था कि हम इस होजरे में कदम भी नहीं रखेंगे, लेकिन कभी कभी खुदा की मर्जी के सामने खुद की मर्जी नहीं चलती है, इसलिए बीती बातों को भुला देना बेहतर होता है। आरती लीजिए। तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक है अभी। मैंने अब तक एक काढ़ा क्यों नहीं पिलाया? काढ़ा पिला चुके हैं शहंशाह, वो बात की औषधि है। अब अगर इसे ढककर रखना चाहिए ना? वैजी ने खुला रखने को कहा था इसलिए। अच्छा, फिर ठीक है। हम बाहर जा रहे हैं शहंशाह, यदि कोई आवश्यकता हो तो पुकार लीजिएगा। सुनो,
जोधा बेगम से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए ध्यान देना कि कोई अंतर ना है। जी शहंशाह। क्या बात करना चाहते हैं आप हमसे?